विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जाम पहले फोर फैक्टर से ही एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल्स 120। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एक्स का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे जो गिवन है वो एक्स प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल्स 120, ठीक है। तो यहाँ पर ये वन है और यह फोर है, तो ये टू है, ये थ्री है, तो ये एक्स प्लस वन और एक्स प्लस फोर को जोड़ी करेंगे ताकि आसानी से हो जाएगा, और एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री जोड़ी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दो बटरफ्लाई मेथड से, तो ये बनता है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एक्स प्लस फोर, इसमें आ जाएगा। इसमें क्या जाएगा, ये भी बटरफ्लाई मेथड से यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स 120 बनेगा। तो ये लाइक टर्म्स है 4x, यहाँ पर लाइक टर्म्स है 3x प्लस 2x, तो प्लस कर दो, तब ये बनते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स 120। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल्स टू टी समझ लो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स जहाँ पर है वो टी हम रख लेंगे, तब ये इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स टी प्लस फोर बनते हैं, टी प्लस फोर इंटू यहाँ पर टी प्लस सिक्स बनते हैं इज इक्वल, ठीक है। अभी ये बटरफ्लाई मेथड से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दो, टी इंटू टी मीन्स टी स्क्वायर बनते हैं प्लस 60 प्लस 40 प्लस 24 इज इक्वल टू 120, ओके। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24, ये माइनस 120 कर दो ये साइड में लेके आके, इक्वल जीरो बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, अभी टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 24 माइनस 120 प्लस 24 माइनस 120 नेगेटिव 96 बनता है इक्वल जीरो। ये एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इन टी, टी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव 96 है, तो यहाँ पर नेगेटिव 96, तो अगर फैक्टर किया 16 इंटू 6 बनते हैं, तो हमें पॉजिटिव 10 चाहिए, तो इसे पॉजिटिव कर दो इसे नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव 16 में नेगेटिव 6 गया तो पॉजिटिव 10 ही रहते, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 96 बनते हैं नेगेटिव 96, तो ये बनते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 60 माइनस 96 इज इक्वल टू जीरो। इसमें टी कॉमन आ रहा है, इसमें नेगेटिव 6 कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन लो इसमें, तो टी प्लस 16 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव 6 अगर कॉमन लिया तो टी प्लस 16 यहाँ पर रहेगा। तो ये नेगेटिव साइन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पर भी टी प्लस 16 है, यहाँ पर भी टी प्लस 16 है, तो टी प्लस 16 कॉमन ले लो दोनों में, तो रिमेनिंग रहा टी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो फैक्टर आया हमें, तो टी माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो एक आया, टी प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो एक आया। तो ये राइट साइड में लो, तो टी इक्वल्स पॉजिटिव 6 आया, ठीक है। यहाँ पर ये राइट साइड में लिया तो टी इक्वल्स नेगेटिव 16 आया। हम टी का वैल्यू दो मिला हमें, टी इक्वल्स 6 और टी इक्वल्स नेगेटिव 16, तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे
तो हमें मिला टी इक्वल सिक्स और टी इक्वल सिक्सटीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी इक्वल सिक्स लेंगे, तो टी इक्वल सिक्स यहाँ पर टी इक्वल्स नेगेटिव सिक्सटीन लेंगे, ठीक है। तो टी इक्वल्स रिकॉल कर दो, टी का वैल्यू हमने सब्सिट्यूट किया है लेट किया सो तो एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स, टी इज एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स इक्वल सिक्स, तो एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो। तो नेगेटिव सिक्स यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो नेगेटिव सिक्स तो क्या बनता है सिक्स इंटू वन, तो यहाँ पर पॉजिटिव फाइव चाहिए तो ये प्लस कर दो ये माइनस कर दो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव सिक्स हो जाएगा, दोनों का समेशन पॉजिटिव फाइव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस सिक्स इक्वल जीरो आ जाएगा। यहाँ इन दोनों में एक्स कॉमन लो तो एक्स प्लस सिक्स रिमेनिंग रहेगा, और इन दोनों में नेगेटिव वन कॉमन लो तो यहाँ पर एक्स प्लस सिक्स यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा इक्वल जीरो। तो दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स दोनों साइड में है तो एक्स प्लस सिक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो और दूसरा एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पर माइनस सिक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव वन आ रहा है। ये हमें दो वैल्यू मिला एक्स का, एक्स इक्वल्स पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव सिक्स, ठीक है। टी इक्वल्स नेगेटिव सिक्सटीन से क्या आता है वो देखेंगे। तो रिकॉल कर दो टी का वैल्यू, टी इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, तो रिकॉल किया तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स नेगेटिव सिक्सटीन, नेगेटिव सिक्सटीन लेफ्ट साइड में लाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स नेगेटिव को पॉजिटिव बनेगा इक्वल जीरो बनते हैं। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है देखेंगे। तो यहाँ पर ये इक्वल्स वन है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इक्वल्स पॉजिटिव फाइव है एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सी इज कांस्टेंट इज सिक्सटीन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है वो देखेंगे इसमें, तो इससे क्या पता चलता है रूट्स का जो नेचर है वो हमें पता चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी, तो बी इज फाइव है तो फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू सी इज सिक्सटीन, तो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फोर। तो अगर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटी फोर गया नाइन और फाइव में टू तो थ्री, नेगेटिव थर्टी नाइन आ रही है ना। दिस इक्वल्स डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट इधर नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि ये स्मॉलर देन जीरो है। डिस्क्रिमिनेंट अगर स्मॉलर देन जीरो है तो यहाँ पर हमें नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स मिलेगा, और इसे रियल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें रियल रूट नहीं मिल रहे तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन इस इक्वेशन को हम रिजेक्ट करेंगे, ओनली हम ये दोनों वैल्यू इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे क्या आ गया वन और माइनस सिक्स आया, तो एक्स का वैल्यू क्या बोलते हैं, एक्स का वैल्यू इज वन एंड एक्स का वैल्यू इज नेगेटिव सिक्स, ये दोनों इस इक्वेशन का रूट्स हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेहता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।